तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे कर बाढ़ का जायजा लिया। उतरौला रोड पर मझौवा गांव के पास हेलीकॉप्टर उतारकर बाढ़ प्रभावित को राहत सामग्री किट वितरित किए। सीएम ने प्रभावितों को किट देने से पहले संबोधन में कहा कि अक्टूबर में बाढ़ कभी नहीं आई, इस बार विजयदशमी के बाद बाढ़ और अधिक बारिश से जिले को प्रभावित किया है। सीएम ने कहा कि किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है, सर्वे के निर्देश दिए गए हैं, बाढ़ प्रभावितों को सरकार हर संभव मदद पहुंचाएगी। उपस्थित सभी बाढ़ पीड़ित भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि बाढ़ अगस्त और सितंबर महीने 15 से 20 सितंबर के बीच में ही आती थी और इस बार हम लोग ये मान करके चले थे कि अब बाढ़ नहीं आएगी। यद्यपि पिछले 3-4 वर्षों में नदी पर इतना कार्य हुआ था कि बाढ़ काफी हद तक रुक गई थी, लेकिन अगस्त सितंबर की बजाय इस बार अक्टूबर माह में ये अप्रत्याशित बाढ़ आई है और वह भी विजयादशमी के बाद। पिछले 10 दिनों से आपने देखा होगा कितनी भारी संख्या में भारी पैमाने पर बारिश हुई है। पहले सूखे के कारण किसान परेशान था और जब बरसात आई है तो अब जो फसल खड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। आज ही मैंने प्रातः बैठक लेकर के सभी जनपदों में मंत्री समूहों को भेजा है, साथ साथ बाढ़ प्रभावित जनपदों का स्वयं मैं भी और हमारे सभी मंत्रीगण भी दौरा कर रहे हैं। आज मैं बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जनपदों का भी गोंडा और अयोध्या का दौरा करने के बाद मैं इधर से होते हुए आ रहा हूं। 280 से अधिक गांव बलरामपुर जनपद के प्रभावित हैं। मैं भी उतरौला और बलरामपुर सदर के इन गांवों का निरीक्षण करते हुए फिर श्रावस्ती की ओर जाऊंगा।